हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर जो है हनी का बन रहा है क्राफ्ट, टीचर डे के लिए बना रही है ये ग्रीटिंग कार्ड अपनी मैडम के लिए, और उसकी मम्मी इसकी हेल्प कर रही है। तो देखिए फ़ोन में लगी है। क्या है, क्या बनाया तूने? मैंने नहीं, मम्मी ने बनाया। क्या बनाया? किसने बनाया ये? मम्मी ने। तूने नहीं बनाया? मैंने हेल्प करी। किसको देगी? अरे भाई, मैं टीचर हूँ। अच्छी है मम्मी, टीचर को आ दिया आपका? दिखाओ किसने बनाया। मामा दिखा, टीचर्स के लिए पेन भी देंगे। ठीक है मैम। इसने ना इसके मेरे भी कलर का सेम पेन था, इसने मेरा पेन लिया। किसने? क्यों आदि? कि मुझे पिंक चाहिए क्योंकि मैं लड़की होगी। आप लड़की हो? चल बॉय हो आप। नहीं, वो अपनी मैम के लिए। अच्छा मैम को दे रहे? बोलो। ऐसे रहते हैं। हाय हाय, माय नेम इज, बोलो। माय नेम इज विराट। दिस विराट, विराट तो दिस विराट। एंड आई एम मेकिंग। हाँ तो ऐसे रखना, जिस सर को बोला था। ग्रीटिंग कार्ड फॉर माय टीचर्स। बोलो, चलो बोलो आदू। मैं ढूंढ सकता हूँ। बोलो आदी। हाय गाइस। हाँ, आज हमारी छुट्टी है, आज हम स्कूल नहीं जाएंगे। बोल माय नेम इज। माय नेम इज विराट। अरे माय नेम इज विराट तोमर। बोलो। नहीं, चलो जाओ 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 जाओ। कहाँ जाओ? अच्छा ग्रेडिंग तो दिखा दे, कौन सी मैम को देगा ये? जब चीज कौन निशी में। तो यहाँ पर देखिए रात हो गई है, क्राफ्ट बना रहे हैं, लगे हैं भाई रियाला जी। व्हाट इज दिस इन द इन द आदि, व्हाट इज दिस इन द पेपर? इन द पेपर, ओके। सब बात में इन द लगाता है, इंग्लिश बोलना सीख रहा है। हाँ, आज के लिए थोड़ा इंग्लिश बोलना सीख रहा है, तो हर बात में इन द लगाता है, इन द। अब मैं से पूछूंगा, आदि आदि विराट विराट, व्हाट इज दिस? Really, what is Mama. this? What is this? What is this? In the box. In the box. In the हर बात में in the box. In the box. ये नया अंग्रेज़ हो रखा है। कौन सी इंग्लिश बोल रहा तू? फ्रेंच इंग्लिश। उल्टा फॉल्स इंग्लिश बोल रहा। कौन सी इंग्लिश बोल रहा? Hey guys, my name is Rato. Really good. Many. Army sees this. What is this? Sees this. Sees this. Good. Good. Sees this. क्या होता है सीज़ दिस? हनी चल तू बोल तो, चल इंग्लिश। ये फोटो हनी तू तू बोल तो जरा। हाय गाइस, और इसने मेरी यादें खराब की, गंदी फोटो खींची है। अपना इंट्रोडक्शन दे चल। माय नेम इज आरवी तोमर। इधर देख ले, इधर ढंग से। आई रीडिंग क्लास थर्ड सतलज। आई मेक माय टीचर। किस लिए बनाया ये? क्या विराट, व्हाट इज दिस? पूरा पूरा दिस इज सिजर। इसे तो इसकी तो इसकी थोड़ा कर रखा है, थोड़ी देर बैठ जाओ आप। ये की तो अंग्रेज सुन गया मुझे ना, कुछ वो हो रही है, घुटन हो रही, घुटन हो जाने दो। No, this sentence. Is a phone. Proper sentence. Please speak proper sentence. What is this? This is a phone. Huh? He this phone. He this phone. Good. Very bad English. This is English word. तो यहाँ पर देखिए बच्चों की मस्ती चली रही थी, तो चले तो खाना बना लेती हूँ मैंने कहा मैं, और जल्दी में क्या बनाऊँ, तो यहाँ पर सोचा चलिए आलू की सब्जी बना लेती हूँ। तो आलू बॉईल कर दिए थे मैंने, और प्याज देखिए प्याज कट करके रख दिया है। हनी ने बोला मामी आलू की सब्जी खाने का मन कर रहा है, कई दिन से नहीं बनाई आपने। मैंने कहा चलिए तो बनाती हूँ, तो मैं प्याज लहसुन डालूँगी इसमें। तो ये देखिए मैंने दो प्याज ली हैं, दो टमाटर, और क्योंकि खट्टी खट्टी अच्छी लगती है थोड़ी आलू की सब्जी, और चार तीन चार मैंने हरी मिर्च ली हैं, और लहसुन मैंने छील कर रख दी है पहले से ही। और यहाँ पर देखिए कढ़ाई में हमारा तेल हो चुका है गर्म, तब तक मैं फटाफट से बना लेती हूँ। ये देखिए मैं हींग भी लिया है मैंने,
और लिया है जीरा, फिर जीरे का तड़का, हींग का तड़का लगाऊंगी मैं। और सच मानिए इस तरह से आप भी अगर आलू की सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं तो इस तरह से एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। बिल्कुल सिंपल तरीका है लेकिन इस तरह से बनाओगे तो बहुत ही स्वादिष्ट आलू की सब्ज़ी बनती है। अगर आप लोग प्याज लहसुन नहीं खाते तो सिंपल तरह से इसे सिंपल टमाटर डाल के भी आप लोग वो बना सकते हैं आलू की सब्ज़ी। और यहाँ पर टमाटर और उसको स्किप करके आप लोग बना सकते हैं, वो सॉरी प्याज और लहसुन को स्किप करके बना सकते हैं। तो देखिए मैंने टमाटर कट करके रख दिए हैं, लहसुन मैं कूट रही हूँ कुंडी में, और जब तक प्याज होंगे तब मैं आलू भी छील लूँगी, लहसुन भी मैं कूट लूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आलू में प्याज हमारे हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, आलू भी मैंने छील के रख लिए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको और पकाऊँगी प्याज को अच्छे से। तो इसी तरह से बनाती हूँ, मैंने कहा चलिए मैं आप बना रही थी, बच्चे अंदर लगे हैं मस्ती में अपने क्राफ्ट बनाने में, तो मैंने कहा चलिए मैं फटाफट से आप लोगों के साथ में खाना बनाती हूँ, तो मैं वीडियो भी शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए लहसुन मैंने कुंडी में कूट लिया है और मैंने सारा लहसुन इसमें डाल दिया है, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी क्योंकि प्याज भी हमारे अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। आज कुछ अलग रेसिपी नहीं है लेकिन ये अलग रेसिपी ही है। आप लोग देखिए आलू की सब्ज़ी सबसे इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी है, एक बार आप लोग इस तरह से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा किस तरह से बनती है। तो चलिए आलू कट कर लेती हूँ मैं, क्योंकि एक हाथ से ही मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, एक हाथ से मैं कट कर रही हूँ, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी मुझे। तो जहाँ पर मैंने आलू भी कट कर लिए हैं और जहाँ पर ये प्याज अच्छे से हो चुका है, प्याज लहसुन का बने टमाटर हरी मिर्च उसको डाल दी कट करके, और मैं अच्छे से करा रही हूँ उसको, टमाटर गलने तक मैं उसको पकाती रहूँगी। तो थोड़ा सा टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद में इसमें मसाला ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर। तो ये घर की आप हल्दी का कलर थोड़ा अलग नहीं लग रहा है, ये हमारी ये घर की हल्दी है, मैं अपने मायके से लाई थी, वहाँ उधर होती है ना बहुत कोशिश के आते हैं हल्दी। तो यहाँ पर देखिए मैंने नमक डाल दिया है और मैंने इसमें डाला है मिर्च, और मैं इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करूँगी मसाले, सिर्फ यही मसाले मिक्स मैच करके बना रही हूँ। दो तरह से चम्मच से मैं इसको फोड़ लूँगी टमाटर को, और यहाँ पर देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे हम लोग। तो हम लोग घर की हल्दी भी यूज़ करते हैं खाने में, हल्दी भी होती है और उसकी भी टेस्ट भी आता है। तो यहाँ पर देखिए मम्मी पापा तो आलू खाएंगे नहीं, तो उनके लिए बनाती हूँ मैं हरी सब्ज़ी। तो हरी सब्ज़ी देखिए धुल कर रख दी है ये, और अब मैं इसको फटाफट से कट कर लेती हूँ। साथ में इसके वो भी है क्या बोलते हैं चलाई बोलते हैं क्या बोलते हैं वो भी है पत्ते, मरचे के पत्ते हैं उसके, तो फटाफट से मैं कर लेती हूँ उसको भी कट। तो साफ तो मम्मी ने कर दी थी, मम्मी का लाओ मुझे पीटे मैं साफ कर देती हूँ, मैंने कहा चलिए आप साफ करते, तो मम्मी ने दे दी थी उसको। तो यहाँ पर देखिए मेरा मसाला भी अच्छे से हो चुका है फ्राई, और मैंने उसको डाल दी है आलू, और मैं आलू को अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसमें। ये देखिए इस तरह से मैं आलू को अच्छे से मिक्स कर लूँगा, और ये देखिए इस तरह से कलर ही देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर, बेहतरीन कलर आ रहा है सब्ज़ी का। अच्छा तो मैंने खाने में भी बहुत टेस्टी हो रही थी, मैं बाद में एडिट कर रही हूँ तो मैं बता रही हूँ आपको कि बहुत ही टेस्टी हो रही थी सब्ज़ी हमारे आज के आलू की सब्ज़ी। तो बताइए कि अब मैं तो तरी वाली सब्ज़ी नहीं खाती, मुझे तरी वाली सब्ज़ी मुझे बस सूट नहीं होती है, डाइजेस्ट नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने गर्म करने भी रख दिया है पानी, गर्म पानी डालूँगी मैं इसमें, और यहाँ पर मैं सब्ज़ी ये देखिए आधी मैं बचा दूँगी अभी के लिए, मम्मी ने कहा आधी सूप बनानी है आधी अभी, तो आप आधी ही उसको कट करेंगे। यहाँ पर देखिए आलू मेरे रख सकते हैं, और मैं उसको डाल दूँगी गर्म पानी। अपने लिए जो है मैंने आलू की सूखी सब्ज़ी निकाली है, तो ज़्यादा सूखी गीली सब्ज़ी तरी वाली सब्ज़ी आलू की मुझे सूट नहीं होती है, इसलिए मैंने आलू की तरी वाली सब्ज़ी ही मैं और लोगों के लिए बना रही हूँ। मम्मी की डिमांड पर बन रही है आज आलू की सब्ज़ी, उसने डिमांड उससे बोला मम्मी आलू एक काम करो आलू बनाओ, कई दिनों से मैंने आलू की सब्ज़ी नहीं खाई है, आपने बनाई हुई है अगर बना के नहीं देखूँगा, तो मेरे को चलिए मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी भी मैंने कट कर ली है, और अब मैंने उसको छोंक दिया है हरी मिर्च डाल के, और खाली मैंने उसको हरी मिर्च ही डाली है, और इसमें नमक डाल दूँगी। थोड़ा लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ छोटी वाली मिर्च पर, क्योंकि हरी सब्ज़ियाँ मोस्टली इसी कढ़ाई में बनाते हैं। ये देखिए इस तरह से, तो इस तरह से मैं मिक्स कर लूँगी इस सब्ज़ी को देखिए, और यहाँ पर हमारी आलू की सब्ज़ी भी बन रही है देखिए। मैंने ज़्यादा इसको
ज़्यादा इसको सूखा सूखा नहीं रखा है, इस तरह से तरी वाली बनाई है। यहाँ पे हरी सब्जी भी बन रही है हमारी, और बनकर हरी सब्जी हो गई है हमारी तैयार। इसमें थोड़ी सी डाल दूँगी मैं कसूरी मेथी, क्योंकि कसूरी मेथी से बहुत ही अच्छा स्वाद आता है इसमें सब्जी में आलू की। और ये देखिए इस तरह से ऊपर से थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी और हमारी सब्जी बेहतरीन आलू की सब्जी बनकर हो गई है रेडी। ये देखिए, ये देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनी है, और ये देखिए कलर भी कितना अच्छा है आप देख सकते हैं। और इसमें बस कसूरी मेथी मैंने डाल दी है, बस थोड़ी हरी सब्जी बनने के लिए रखी है, अभी बनी हुई है ये ढंग से। और ये देखिए तो बन चुकी है हमारी हरी सब्जी भी। और जब तक मैं खाना बना रही थी तो फिर चाय का ऑर्डर आ गया पापा का। पापा ने कहा चाय बनाओ, चाय पीने की इच्छा हो रही है, तो चलिए मैंने कहा थोड़ी चाय भी बना देती हूँ। तो बस पापा और पापा लोगों के लिए चाय बना रही हूँ मैं, और साइड में दूध भी गर्म करने के लिए रखा हुआ है मैंने, और खूब अदरक अदरक डाल के खूब मस्त चाय बन रही है। ये देखिए मेरे हाथों तो कभी दूध कम डलता ही नहीं चाय में, ये तो फैक्ट है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है एक बार से फिर हमारी यूट्यूब फैमिली में, मिस्टर एंड मिसेज निराला ब्लॉग्स में। देखिए दोस्तों मुझे कितना पसीना आ रखा है, और मैं अभी तो देखिए दोस्तों अभी हमारा खाना वाना सब निपट चुका है। तो देखिए दोस्तों अब आ चुकी हूँ मैं अपने कमरे में, और खाना वाना सब निपट चुका है हमारा, बस अब वीडियो एडिट करूँगी थोड़ी सी। और नियाला जी भी आ चुके हैं ऑफिस, तो नहीं छुट्टी पे थे, लेकिन आज छुट्टी पे क्या रिपोर्ट्स लेके जाना था उन्हें मम्मी की, तो एम्स गए थे वो, और वहाँ से आ चुके हैं। और आए और ऐसे ही सो गए, बताए थकान लगी तो सुबह जल्दी उठ गए थे, क्योंकि सुबह सुबह मम्मी को दवाई देनी होती है, तो रोज़ तो मैं दे देती हूँ, लेकिन आज वो सुबह जल्दी उठ गए थे 5 बजे। तो कह रही मम्मी को मैं दवाई दे दूँ, मैंने कहा हाँ दे दूँ, तो उन्होंने दवाई दे दी थी। तो फिर मैं आराम से, तो मैं 6:30 बजे उठी हूँ आराम से, उसके बाद फिर 6 बजे उठ गई थी मैं, 6:30 बजे। तो बस फिर उसके बाद ये फिर गप्पे वप्पे लगाते रहे, मैं तो फिर घर का काम हो जाता है। सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, किचन बच्चे स्कूल चले जाते हैं, और बस बस वही सुबह सुबह का मॉर्निंग के तो कई बिजी रूटीन होता है, कई काम होते हैं। तो मैंने कहा चलिए, कई दिनों से आप लोगों से बातें भी नहीं हो पाई हैं, चलिए मैं आप लोगों से बातें कर लेती हूँ कि मायके से आए हुए भी मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। मैं आ गई थी अगस्त, ये क्या चल रहा है, सेप्टेम्बर चल रहा है ना, मैं अगस्त में 31 को आ गई थी, मैं 31 अगस्त को आ गई थी मैं। नींद भी आ रही है मुझे, पता नहीं क्यों ना मेरे फ़ोन में कितने भी वो करा दो क्लियरिटी नहीं आ पा रही है, लग रहा है आप लोगों को भी। तो मम्मी की तबीयत भी अब ठीक है, पहले से काफ़ी बेटर है, रिकवर कर रही है। पापा भी ठीक है। एक तो पता क्या, आजकल कितनी गर्मी हो रही है ना, उमस बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बारिश भी है, हो नहीं रही है, बारिश का मौसम भी होता है फिर भी होता है, पर अब तो कहाँ होगी बारिश, बोलते हैं कि इस सीजन में बारिश नहीं होती है, लेकिन बहुत गर्म है, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रही है, उमस हो रही है बहुत ज़्यादा। तो बस तो देखिए आगे क्या करते हैं, तो अभी मुझे वीडियो एडिट करनी है, अभी नीचे से काम निपटा कर आई हूँ, बहुत थकान लग गई है, नींद भी आ रही है, लेकिन वीडियो भी एडिट करनी है मुझे। चलिए वीडियो एडिट कर लेती हूँ, तो मैं अभी आज आप लोग ना वीडियो में एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ में, मतलब आप मेरी वीडियो को देखिएगा ज़रूर, वॉच कीजिए, मेरी वीडियो आती ज़रूर है, भले एक दिन लेट हो, दो दिन लेट हो, लेकिन आएगी ज़रूर। तो आप लोगों का प्यार, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिएगा, मिस्टर एंड मिसेज निराला के ऊपर, हमारी पूरी फैमिली के। तो आप लोगों के प्यार आशीर्वाद की मुझे ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, और आप लोगों के सपोर्ट से ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, और भगवान करे कि आगे सफ़र भी अच्छा रहे, आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों का प्यार रहा, तो आगे भी सफ़र अच्छा ही रहेगा।
अभी मोनेटाइजेशन होने में काफ़ी टाइम मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है मेरे चैनल का, फिर तो पता नहीं कितना समय लगेगा, लगभग दूसरा साल चल रहा है मुझे आप लोगों से जुड़े हुए, एक साल हो चुका है और आप लोग भी मुझे अभी तक अच्छी तरह समझ ही गए होंगे। देखिए मेरी वीडियो में कोई भी बनावटीपन, कोई भी मतलब पहले से कुछ प्लान नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहता है, सब कुछ नेचुरल में सूट करती हूँ, नेचुरल आप लोगों को दिखाती हूँ मैं, जो मेरे घर पे होता है मैं आप लोगों के साथ में वही शेयर करती हूँ, जैसे हमारे रूटीन है, जो हमारी फैमिली है, हम किस तरह से हमारा रूटीन है उसी तरह से मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। एक्स्ट्रा मैं कुछ भी हमारी वीडियो में एक्स्ट्रा आपको बनावटी पर नहीं लगेगा, नेचुरल वीडियो बनाती हूँ मैं। तो चलिए दोस्तों, बातें बहुत हो चुकी है, रात ही बहुत हो चुकी है, मुझे वीडियो करनी है एडिट और मेरा जी नीचे ही है, और मुझे सॉरी मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ अभी तक जिन्होंने भी अभी तक हमारी वीडियो को वॉच करते हैं मैं आपसे फिर कह रही हूँ, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, वीडियो फुल वॉच करते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।